कि जान लेना आसान है, जान बचाना बहुत ही। कुछ जवान एक्सीडेंट के अंदर घायल हो गए थे और उनको जब इवैक्यूएट किया गया तो शोपियां की जनता ने उनको इवैक्यूएट किया। हमारी फौज के लोग वहां पे आसपास नहीं थे, सिर्फ एक और टीम थी, उनको यहां पे लेके आए गए। उनका इलाज हुआ और उनके इलाज की वजह से, डॉक्टर्स की वजह से और यहां पे जो स्टाफ है उनकी जानें बची। मगर उस टीजी के साथ में जो आप लोगों ने काम किया, वैसे हमारे तीन लड़के तो वैसे शहीद हो गए थे, मगर बाकी जो लड़कों पे आपने बात की, उसके लड़कों से मैंने बात भी करी, बहुत ही आपके शुक्रगुजार थे। तो मैंने सोचा अगर ये आज का रमजान के मौके में सबसे अच्छा मौका होता है कि मिल करके आप लोगों का शुक्राना किया जाए। थैंक यू। रोजे चल रहे हैं। कुछ दिन पहले एक ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन के दौरान हमारे कुछ जवान एक्सीडेंट के अंदर घायल हो गए थे और उनको जब इवैक्यूएट किया गया तो शोपियां की जनता ने उनको इवैक्यूएट किया। हमारी फौज के लोग वहां पे आसपास नहीं थे, सिर्फ एक और टीम थी, उनको यहां पे लेके आए गए। उनका इलाज हुआ और उनके इलाज की वजह से, डॉक्टर्स की वजह से और यहां पे जो स्टाफ है उनकी जानें बची। और मैं ये चाहता हूं कि मैं जैसे हमेशा बताता रहा कि जान लेना आसान है, जान बचाना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं उस शुक्राने के लिए आज यहाँ पे आया था। मैं डॉक्टर साहब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, शुक्रिया के लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ कि जिस तरह उन्होंने 44 RR के साथ में कंधे से कंधा लड़ा करके, और जो टेररिस्ट की एक्टिविटी है वो कम हुई है, टेररिज्म की एक्टिविटी कम हुई है और यहाँ पे लोगों की जान माल को बचाया गया है, उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। वो अलग एक कॉन्फ्रेंस होगी, मीटिंग होगी, उसके लिए सिक्योरिटी की आप चिंता ना करें। हर चीज़ का जो सिक्योरिटी का काम है, वो सिस्टम है, वो पूरी चीज़ें सही तरीके से। शुक्रिया की जनता RR के साथ, पुलिस के साथ लग करके टेररिस्ट के जो पूरे ढांचे को तोड़ती जा रही है और टेररिज्म को खत्म करती जा रही है। वैसे ही ये पूरा मैसेज चारों तरफ फैले और इसको